टैंक भी पूरा कवर कर रहा हूँ। जब तक इस बाइक की एज रहेगी या मेरी एज रहेगी, जब तक हम दोनों रहेंगे साथ में रहेंगे। And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. ना देखो यहाँ नीचे ना हिमालयन को लगाने में प्रॉब्लम आती है, गिरने वाली होती है, ऐसे सीधी हो जाती है डायरेक्ट। तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि इसका हाइट भी ज़्यादा है और इसका स्टैंड जो है वो भी थोड़ा लंबा लगा मुझे। थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा रहता। तो बहुत अच्छा है, तो सारे एंगल आ जाते एक ही बार में। ये सही है 360 कैमरा में। क्या हाँ ज़्यादा शोर है शायद इसलिए नहीं हो रहा है। ये बैक रोड पे पार्क है अपना मलाड वेस्ट में। गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हाथ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गाइस ये पार्क पूरे मुंबई का सबसे अच्छा बनाया हुआ पार्क है। बहुत बड़ा है और बोलते हैं ना सब कुछ सिस्टमेटिक, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, बेंचेस, सबको अनदर लेवल वाला पार्क। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। बिना किसी को पॉइंट किए हुए अपन सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखते गाइस कैसा आ रहा है। मतलब मैं तो ऐसी टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी तो बस। मियावाकी प्लांटेशन, मियावाकी प्लांटेशन क्या होता है? हाँ, मैंने यहाँ पे एक बार सांप देखा था जब मैं बैठी थी और यहाँ से सांप गया था। सो गाइस अब अंदर चलते हैं पार्क के अंदर, घास में थोड़ा। सही है यार, सीताफल लगे हुए छोटे छोटे। ये मेरे घर पर भी लगे हुए सीताफल का पेड़। गाइज मेरे घर पे सीताफल का पेड़ इससे आई थिंक 5 times बड़ा है और बहुत बड़े बड़े सीताफल आते हैं उसमें। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि किसी ने तोड़ा नहीं इंडिया में। जनरली अब तोड़ेंगे, अभी पका हुआ नहीं है ना, छोटे हैं, कच्चे हैं अभी। अभी इंडिया भी समझदार हो रहा है ना। इतनी गर्मी लग रही है तुमको? मुझे ये गर्मी बहुत, ये गर्मी नहीं पसंद है। मुझे गर्म वाली गर्मी चाहिए, जो हवा बंद वाली गर्मी होती है ना। गर्म वाली गर्मी पसंद है मेरे को, ठंडी वाली गर्मी पसंद है। ये पेड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कीड़े लगे, दीमक लगी है इसमें तो शायद। पास का कैप्चर करता है क्या ये? अच्छे से फोकस नहीं करते ये वाले कैमरे, बस फोकस नहीं करते। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। प्रियंका मैडम ड्रोन बन रही है मेरी। स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो गया है? ए, मैं भागूंगी नहीं यार, तुम्हारा ड्रोन स्लो है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो तुमको करना चाहिए और जो तुम कर रहे हो मुझको करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन। तो गाइज़ अभी तक सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ मैं,
कि इसका जो इंटरफेस और स्क्रीन है, स्क्रीन साइज भी, स्क्रीन क्वालिटी भी गोप्रो से बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब गोप्रो का तो मेरे को थोड़ा फुद्दू टाइप लगता था, मतलब जो पुराने अपने नोकिया के फोन नहीं आते थे जो सबसे पहले टच स्क्रीन निकले थे, पिक्सल दिखते थे, वैसा दिखता है मेरे को गोप्रो का। और उसका मतलब सॉफ्टवेयर मुझे रिलायबल नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक कैमरा तो मैं बदल ही चुका हूँ, वो उन्होंने वापस से फ्री में भेजा था सिंगापुर से। इसका स्क्रीन तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है गोप्रो से, बाकी का देखते हैं एडिटिंग में देखेंगे। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो देखते हैं फिर एडिटिंग में। ले लिए, अभी एडिटिंग का ही काम है, तो एडिटिंग अपन अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। इसमें पता है कैसे, एक वीडियो लिया ना 360, उसको हम 10 तरह से एडिट कर सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। आई थिंक चलते हैं अब जल्दी से और तो जाकर। रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं लगता इसमें, रिकॉर्डिंग में कैसा है सारे एंगल कैप्चर हो गए जो जो कैमरा के सामने, लेकिन एडिटिंग में वो छाटना, वो एंगल एडिट करना, निकालना, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो गाइस अभी मॉनसून चालू हो गया है और अभी मैं बाइक का वॉश करके आया हूँ, बाइक को एकदम साफ हो गई बाइक। अभी इसमें सिलिकॉन स्प्रे डाल दूंगा पूरी बाइक के ऊपर ताकि जंग ना लगे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है तो इट्स बिल्ट लाइक अ गन, लेकिन गन में अगर जंग लग गई तो विल नॉट गोज लाइक अ बुलेट। तो इसमें सिलिकॉन स्प्रे ज़रूरी है, तो सारे पार्ट्स में सिलिकॉन स्प्रे लगाकर, और मैं ये लाया हूँ अपना रेन कवर बाइक का, ये बहुत मुश्किल से मिला मुझे, ट्रिपल एक्सल साइज़ था इसका, क्योंकि हिमालयन अपन ने मॉडिफाई करा ली है बहुत, और बहुत बड़ी हो गई अपनी हिमालयन, तो 2XL भी नहीं आ रहा था, तो फिर 3XL स्पेशली मंगाया इसके लिए। तो जल्दी से इसमें चेन को भी ऑयल कर देते हैं और सिलिकॉन स्प्रे लगाते थे सब दूर। तो ये ध्यान रखना है सिलिकॉन स्प्रे अपना डिस्क ब्रेक प्लेट पर नहीं लगाना है, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेंगे। गाइस टैंक भी पूरा कवर कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा सा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस बाइक को तो एकदम अच्छे से ढक दिया है और बैटरी बंद ख़त्म हो गई थी इसकी, तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। उस पर अच्छे से चेन लूप भी लगाया और पूरी बॉडी पे इस बार सिलिकॉन से कवर कर दिया उसको स्प्रे करके। 4 महीने में बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ बाइक को, जब ट्रिप होगी जब भी निकालूंगा बाइक को और वापस उसको पैक कर देंगे ताकि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि लास्ट टाइम पल्सर की तो बैंड बज गई थी। कैसी हो गई थी पता है पल्सर अपनी? बाइक हमेशा स्टेनलेस स्टील से बनानी, बट वो बहुत महंगी हो जाएगी ना, फिर लोहे से ही बनती है, डबल हो जाएगी फिर लगभग। अच्छे से बंद कर दिया उसको, सब पैक कर दिया, ऐसा लग रहा है कि बड़ा कोई भैंसा उस पैक है उसके अंदर, इतना ज्यादा मतलब उसका साइज है। सिर्फ 24 आवर्स वेट करना है, कल मैं आपको वापस वीडियो बताऊंगा, देखना उस पर बर्ड ने क्या ड्रॉइंग बनाई होगी क्रिएटिविटी के साथ। कई हम घर से शॉप जा रहे थे, एक बिल्ली मिली ए यार, लेकिन अंदर भाग गई वो, पता नहीं क्या चल मची उसको। हाँ उसको एकदम मस्त वाला नेकलेस पहना के रखा था। और यहाँ पे गाइस देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे सब रुस्तम जी ने ही बनाया, और रुस्तम जी एक्सीलेंस, रुस्तम जी फलाना, रुस्तम जी धमाका। हाँ ले लो, 10-10 के अंदर कॉइन्स है। आंटी ने 10 रुपये लिए, 20 को लेते ना, ईमानदार आंटी है। गाइस सेल्फी स्टिक पर लगाया ना, किसी को पता भी नहीं चलता है कैमरा है कि क्या है, तो मतलब ये व्लॉगिंग करना थोड़ा आसान हो गया है, कॉन्शियस नहीं होते मतलब, नहीं तो सब वो गोप्रो से तो सब लोग देखने लग जाते थे। हाँ क्या बोल रही हूँ, मेरे को भी लग रही है घर जाके खिचड़ी बना रहे गाइस आज बहुत दिनों के बाद। और एक्चुअली नहीं, ये लड़की जो है ना, ये वाली जो देख रहे हो आप, तो ये ना मेन्यू चेंज करा देती है, इसको घर का खाना पसंद नहीं, इसको बाहर का पसंद है। अरे गणेश जी का मंदिर यहाँ पे गाइस, हमने बाइक की पूजा करवाई थी, जय हो गणेश जी। देखो तुमको जो खाना है खा लो, मुझे बीच में मत लाना, तुमको जो खाना है खाओ, पानी पूरी खाना है वो खा लो, खा लो चलो पूरी। मुझे नहीं, ये हर बार ऐसे ही करती है गाइस, पता है गरम है। नहीं मैं एक भी नहीं खाऊंगा, इट्स अ ट्रैप। मैं घर जाके गाइस खिचड़ी बनाऊंगा, ये ना ट्रैप होता है हर बार का, ऐसी है गाइस, ऐसे करेंगे डाइटिंग लोग हमारे साथ रहे। पानी पूरी में फैट कहाँ है? ओह माय गॉड गाइस, पानी है, नॉर्मल खाने में भी होता है।
होता है। अरे अरे गाइस, ये एकदम ना कटिंग मोड पे एकदम डाइटिंग कर रही है पानी पूरी खा के। और गाइस ये देखो अपनी बाइक, और सुबह लगा के कहते शाम को देखो अभी बर्ड्स ने पेंटिंग भी कर दी है। अभी बाइक से जाना हुआ तो निकाल लेंगे। इजी नॉट लगाओ। हाँ इजी लगा रहा हूँ, 1.5 नॉट जो होती है वो लगाओ। गाइस हमारी बाइक ऐसे सेफ रहेगी ज़्यादा और लॉन्ग टर्म तक चलेगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ टाइम चले यही बाइक, मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा हूँ। जब तक इस बाइक की एज रहेगी या मेरी एज रहेगी, जब तक हम दोनों रहेंगे साथ में रहेंगे।